हे गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ लहसुन छीलने के तीन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके। और एक तरीका तो ऐसा भी है जिससे आप 2 से 3 किलो तक लहसुन आसानी से छील पाएंगी। तो देखते हैं, चलिए। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के लहसुन ले लिए हैं। बड़े साइज़ से ये फ़ायदा होता है कि सारे लहसुन आसानी से छिल जाते हैं। ये मैं लहसुन की कलियों को इस तरह से तोड़ के अलग कर रही हूँ। मैं सारे कलियों को तोड़ के अलग कर दूँगी। अब मैं इन कलियों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और यहाँ पे डालूँगी मैं गरम पानी। एकदम गरम पानी नहीं, थोड़ा सा गरम पानी। इस पे मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और नमक ऐड कर दूँगी। इसे मिक्स करके उसको ढक कर मैं करीब आधा घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इसे छील लूँगी। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कलियाँ कितनी आसानी से निकल रही है। बेकिंग पाउडर और नमक लहसुन के छिलके को कोमल कर देती है, इसको गला देती है, इसलिए हम इसको आसानी से छील सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक है, मैंने इन 2 लहसुन को फ्रिज में आधा घंटे के लिए रख दिया था। अभी देखिए फ्रिज में रखने के बाद ये कितनी आसानी से छिल रही है। ये देखिए, ज़रा भी मशक्क़त नहीं लगती इन्हें छीलने में। ये बहुत ही आसानी से छिल रही है। आप खाना बनाने से आधा घंटे पहले फ्रिज में रख लीजिए और ऐसे कर लीजिए। ये जो 3rd वाला तरीका है, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इससे आप 2 से 3 किलो लहसुन आसानी से छील सकेंगे। अगर मैं घर में कुछ पार्टी हो, अगर कुछ फंक्शन वगैरह हो, तो हमें लहसुन की ज़रूरत होती है, तो इससे आप आसानी से 2-3 किलो लहसुन छील सकेंगी। तो मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है वैसे ही आपको लहसुन को काट लेना है। ये देखिए मैं कैसे काट रही हूँ। हमें लहसुन को ज़रा भी वेस्ट नहीं करना है। जस्ट 2 साइड से काट के बीच में ऐसे बारीकी से कट लगाना है। जैसे कर रही हुई वैसे ही इसे काट लेना है। ये देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। तो हमारा लहसुन अब कट हो चुका है। इसको हम अभी एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो आटा भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मसलिए, बहुत ही अच्छी तरह से मसलना होगा ताकि इसके बॉडी में जो उसका खाल लगा हुआ है वो सारे निकल जाए। देखिए, इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। अभी हम इसको एक थाली में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको झाड़ना है अच्छी तरह से। देखिए ऐसे झाड़ना है। झाड़ने से क्या होगा, जो इसके खाल है वो सामने चला आएगा। देखिए ऐसे 2-3 बार हमें अच्छी तरह से इसे झाड़ लेना है। ये मैं झाड़ रही हूँ और इसकी मैक्सिमम जो खाल है वो आगे चला आया है। क्योंकि खाल पतला होता है इसलिए आगे चला आता है और लहसुन जो भारी है वो पीछे रह जाता है। ये देखिए ऐसे हमें करके इसके जो खाल है वो उतार लेना है। फिर इसको हम 2-3 बार अच्छी तरह से धोएंगे। ये देखिए रगड़ रगड़ के, मसल मसल के अच्छी तरह से धोएंगे। अभी साफ़ होने ही लगा है। देखिए कितनी अच्छी तरह से खाल इसका साफ़ होने लगा है। 2-3 बार धोने से ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। ये देखिए कितना साफ़ हो गया है। सारे खाल पानी में ऊपर रह जाता है और पानी से निकल जाता है। ये फाइनल सारे खाल जो पतला होता है ना, अब तो पानी में तैरता है और ऐसे धोने से वो ऊपर चला जाता है और निकल जाता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से सारे लहसुन साफ़ हो गए हैं। मैंने कम क्वांटिटी लिया है, आप ज़्यादा लेकर ऐसे कर सकती हैं। ये देखिए
एकदम साफ लहसुन मिल गया है हमको, एकदम साफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।